नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू सिंह और आप देख रहे हैं दवा की जानकारी चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं दवा से रिलेटेड वीडियो आपके लिए रोज ही लेकर के आता ही रहता हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अगर आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको समय से नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बीमारियों से बचाव करने में कारगर साबित नहीं होते हेल्थ सप्लीमेंट। तो दोस्तों, जो आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं वो जो है बीमारियों से बचाव करने में आपको कारगर साबित नहीं होते हैं, ये जो है कि एक आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान के पेपर में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी आर्टिकल के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा और ये बिल्कुल प्रूफ किया गया है, वैज्ञानिकों ने ये साबित किया है कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो हेल्थ सप्लीमेंट आप लेते हैं वो आपको बीमारियों से लड़ने में कारगर साबित नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या कुछ लिखा है इस आर्टिकल में। तो दोस्तों, जब नियमित आहार से शरीर को जरूरी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं तो इनकी कमी पूरी करने के लिए लोग आजकल हेल्थ सप्लीमेंट का सहारा लेने लगे हैं। दोस्तों, जैसे कि आम धारणा है कि शरीर के अंगों को सही तरीके से काम करने और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट जरूरी होते हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस दावे का खंडन किया है कि शोध में यह बात सामने आई है कि हेल्थ सप्लीमेंट बीमारियों से लड़ने, दिल संबंधी रोगों व समय पूर्व मृत्यु को रोकने में प्रभावी नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल जो है हेल्थ सप्लीमेंट उतना प्रभावी नहीं हो रहे हैं जितना आजकल लोग यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे कि एक शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है, जैसे 277 क्लिनिकल ट्रायल आंकड़ों के मुताबिक विश्लेषण किया गया जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों पर अध्ययन किए गए नियमित सप्लीमेंट लेते थे। जैसे कि दोस्तों 10 लाख लोग जो है कि नियमित हेल्थ सप्लीमेंट लेते थे। दोस्तों 16 विभिन्न पोषक तत्व वाले सप्लीमेंट से शरीर पर प्रभाव का अध्ययन इसमें किया गया। और दोस्तों पौष्टिक आहार का जो आजकल शॉर्टकट है, जैसे कि मल्टीविटामिन, फिश आयल और एंटीऑक्सीडेंट युक्त सप्लीमेंट का सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं दिल के मरीज। तो दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि सप्लीमेंट कभी पौष्टिक आहार की जगह नहीं ले सकते, ये केवल एक शॉर्टकट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने भी बोला है। जो भी आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि आजकल कैप्सूल आ गए हैं, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और दो जो है कि एंटीऑक्सीडेंट युक्त जो सप्लीमेंट आ गए हैं, कैप्सूल आ गए हैं, तो वो जो है केवल शॉर्टकट होते हैं, ये कभी आहार की जगह नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप जो है हेल्दी से हेल्दी फूड अपने जीवन में शामिल कीजिए, सब्जियों से लेकर फलों तक आप शामिल कीजिए, आप जो है कैप्सूल के भरोसे मत बैठिए। और दोस्तों एक और रिपोर्ट है, जैसे बढ़ता वैश्विक बाजार, तो दोस्तों 34% लोग दुनिया भर में हर रोज़ विटामिन और हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं। 34% लोग पूरी दुनिया के सप्लीमेंट डेली लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है। उसके बाद बात करें, 6% की दर से पिछले 5 साल में बढ़ रहा है हेल्थ सप्लीमेंट का बाज़ार। और दोस्तों 3700 करोड़ डॉलर का है हेल्थ सप्लीमेंट का वैश्विक बाज़ार। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा ये बाज़ार है, 3700 करोड़ डॉलर का है दोस्तों, बहुत ही बड़ा बाजार है। और दोस्तों कुछ हद तक ही फायदेमंद जो वैज्ञानिकों ने बताया है, जैसे स्ट्रोक को रोकने और गर्भावस्था में तंत्रिका ट्यूब को बचाने में फॉलिक एसिड कारगर होता है। और दोस्तों हार्ट अटैक से बचाता है, जैसे कि फिश ऑयल से प्राप्त ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हार्ट अटैक से आपको बचाता है। और दोस्तों नमक कम खाने से मृत्यु दर में कमी, लेकिन हृदय रोग में फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अगर आप नमक कम खाते हैं तो उससे आपको
मृत्यु दर में कमी होती तो है, लेकिन अगर आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें आपका फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, हृदय रोग में फ़ायदा नहीं, जैसे कि मल्टीविटामिन, सेलेनियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन डी वाले सप्लीमेंट दिल की बीमारियों में कारगर साबित नहीं होते हैं। और दोस्तों मेडिटेरियन डाइट और भरपूर सब्जियां, जैतून के तेल और फिश ऑयल से भरपूर आहार से मृत्यु दर या दिल के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और दोस्तों आगे एक लाइन लिखी हुई है, शरीर में फैट कम करने और नमक कम करने से दिल संबंधी बीमारियों से बचाव में कोई मदद नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है बिल्कुल ही जो है कि हकीकत बात है कि आजकल इतना जो है कि हेल्थ सप्लीमेंट के लोग आदि हो गए हैं, किसी को कमजोरी अगर होती है तो वो आजकल फल फ्रूट या हरी सब्जियां के खाने पे ज़्यादा जोर नहीं देता, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको भी खाइए तो उस पर आजकल लोग जोर नहीं देते हैं। हमारे जैसे शॉप पे लोग आते हैं, कहते हैं हमें जो है कि विटामिन की गोली दे दीजिए, आप जो है कि टॉनिक दे दीजिए, जबकि मान लीजिए बिजनेस पर्पज़ से तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो है कि फ़ायदा हो रहा है, मेरी दुकान जो है चल रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूड सप्लीमेंट अपने डाइट में यूज करें, जैसे कि अगर आप फल फ्रूट ड्राई फ्रूट आप यूज करें, न कि आप कैप्सूल और सिरप पर ज़्यादा डिपेंड हो दोस्तों। तो यही कहना है मेरा आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।